अच्छा, अंगद बिष्ट की जो फाइट रही और अब उनको सेमीफाइनल खेलना है, तो आपने तो काफी करीब से देखा होगा उनकी जर्नी को, काफी फॉलो भी किया होगा, अंगद तो मैं जानता हूँ तो पहले से, बहुत साल से। उनके बारे में कुछ बताइए, क्या लग रहा है उनका फ्यूचर और सेमीफाइनल की कुछ प्रिडिक्शन अगर आप करना चाहो। नहीं, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट एक अजीब टूर्नामेंट है। जहां जब भी कोई टूर्नामेंट में देखा जाए ना, आगे पीछे कहां से भी हो सकता है। और जब और ये एशियन फाइटर्स बहुत ही मजबूत फाइटर्स है, फ्रॉम इंडोनेशिया, जी फ्रॉम चाइना, फ्रॉम जापान, फ्रॉम कोरिया, जहां से भी आते हैं। और अंगद बिष्ट कोई कम नहीं भाई, उन्होंने जिस हिसाब से वो जीते वो फाइट, एक नंबर 1 परफॉर्मेंस किया था। मुझे बहुत ही खुशी हुई अंगद को देखते हुए, जीतते हुए। एंड मैं सिर्फ कह सकता हूं कि यार, अंगद एक अलग टाइप का फाइटर है, उसका स्टाइल अलग है, उसका ओवरऑल गेम अच्छा है। और अच्छा, एक अच्छी चीज है कि वो जल्दी नहीं गए, उन्होंने टाइम लिया, अपना गेम डेवलप किया कैंप्स में, और फिर वो गए रोड टू यूएफसी में। एंड सो मैं प्रेडिक्शन गेम मैंने छोड़ दिया है भाई, मैंने छोड़ दिया है। जी मुझे बहुत गालियां मिली है, अरे तूने तो कहा था ये, तूने तो कहा था वो, है क्या बात। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अंगद इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत ही अच्छे फाइटर है। और हम तो क्या, मैं तो कहूंगा कि इंडिया को तो जीतना ही चाहिए, कहीं ना कहीं हर जगह जीतना चाहिए, हर जगह। और उसके बाद पूजा तोमर, जो उन्होंने तो सपना पूरा कर दिया सारे इंडियन का ही, पहले यूएफसी में जीत करके, एंड शी रिसीव्ड अ ग्रैंड वेलकम एज वेल। लास्ट टाइम जब हम लोग ने किया था तो उनका फाइट कुछ अनाउंस हुई नहीं थी, थोड़ा टाइम लगा दिया यूएफसी वालों ने भी उनको फाइट देते देते, साइन तो काफी टाइम हाँ पहले कर लिया था। बट वो जो बॉडी किक्स थे उनके, और जो मतलब काफी लोग, नीना मरी डेनियल भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई उनसे। हाँ मैं वही देख रहा था। मैं ऑनलाइन देखो, जिस हिसाब से उन्होंने फाइट किया ना, वो फाइट आप काफी लोग जानते नहीं कि पूजा तोमर एक वुशु फाइटर है। वुशु फाइटर्स के पास एक बहुत ही अच्छा किकिंग गेम होता है, लाइक टाइक्वांडो फाइटर्स, वुशु फाइटर्स आल्सो हैव अ वेरी गुड किकिंग गेम एंड वेरी गुड टेक डाउन डिफेंस। वो जमीन पे आसानी से उनको खींचना, उनको जमीन पे खींचना बहुत मुश्किल होता है। जी और जिस हिसाब से उन्होंने उनका रेंज किया, जो स्ट्रेटेजी था उनका, लेग किक्स, बॉडी किक्स, बॉडी किक्स, लेग किक्स, बॉडी किक्स, लेग किक्स, पास में जब आए पंचेस किए, कॉम्बिनेशन रखे, और क्लोज फाइट था, काफी क्लोज फाइट था। क्योंकि रायन दो संतोष भी कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, वो ब्लैक बेल्ट जुजुत्सु के। और जो भी ना भाई, मैं ये मस्ती मस्ती में कहूंगा, आप ब्राजील में पैदा होके जाओगे ना, तो आधे लोग तो ब्लैक बेल्ट है ही है वहां, ब्राजीलियन जुजुत्सु के ब्लैक बेल्ट है ही है। तुम्हारा नाम दो सांतोस है तो तुम ब्राजीलियन ब्लैक बेल्ट हो ही हो। पर कहूंगा कि यार, जिस हिसाब से पूजा तोमर ने ठंडे दिमाग से अटेंशन रखा, ठंडे दिमाग से स्ट्रेटेजी जो किया, और अंत में थर्ड राउंड में जब आंख खुले रख के ऐसे वो सामने आके लड़ने लग गए मैक्स हॉलोवे स्टाइल, वो देखने में मैं इतना खुश हुआ। क्योंकि हारो भाई, स्पोर्ट इज विनिंग एंड लूजिंग, हारो या जीतो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हारो या जीतो। पर जो उन्होंने किया और वो जीत जो उन्होंने वो पाई, जो जो चीज वो खुद ये नहीं जानते हैं कि इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया है। खुद के लिए तो जरूर, उनका रिकॉर्ड, उनका ये, उनका करियर मैं समझ सकता हूँ, वो तो उनके बारे में ही सोचेंगे, पर जो चीज वो जीत कर, यूएस में जीत कर इंडिया के लिए किया है ना, करोड़ों फाइटर्स वो देख के उठेंगे कि यार यस, अभी मौका है। पर अंशुल भी, अंशुल जब रोड टू यूएफसी जीते, अंशुल ऑल्सो हैड अ टफ फाइट। माइक ब्रीडन वॉज अ टफ फाइटर, अंशुल इतने अच्छी तरह से लड़े, और उन्होंने उसने अपने वेट भी अपने काफी छाती किया पे, था। उनके छाती पे उन्होंने हाथ रखकर, दिल रखकर, वो जो जिस तरीके से लड़े, ठीक है यार, हारना जीतना इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, कोई भी हारता है, कोई भी जीतेगा, इंडिया टीम हारेंगे जीतेंगे, ठीक है, फैंस तो होने ही चाहिए क्योंकि हमारे लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, अंशुल को अर्जुन भाई क्या डिफरेंट बनाता है, अगर आप उनको, उनके करियर को समराइज करो थोड़ा सा 1 मिनट में, कि क्या भाई उनको उसकी करियर डिफरेंट बनाता शुरुआत, अभी शुरुआत हो रही है उसकी करियर की, वो जवान है, अभी टाइम है उनको, ही इज जस्ट स्टार्टेड हिज करियर इन द यूएफसी, जस्ट अभी अभी चालू हो रहा है उसका। वो जिस हिसाब से लड़ते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टाइल है लड़ने का, न्यू जेनरेशन स्टाइल है लड़ने का,
वो और पूजा दोनों, उनके जो कैंप है, उनके कोचेस है, उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है। और मैं मुझे लगता है कि उनकी उनका करियर, उनका उनकी दिशा बहुत ही अच्छी है। ही हैज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उनका, जो भी स्टाइल है। मैं अभी बहुत जल्द है बात करने के कि यू नो जी व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट, उसका क्या करियर करे, तो अभी भाई पिक्चर अभी बाकी है। जी देख मैंने बॉलीवुड डायलॉग क्रैक किया नहीं, मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि मैं इसकी एक क्लिप काटूंगा पूजा की और अंशुल की, फिर मैं उनको टैग करूंगा, मैं कहूंगा देखो आपके बड़े भाई को मैंने यहाँ पे बिठा लिया है, अब आपको भी मुझे एक इंटरव्यू देना होगा, खुद का भी भला करो थोड़ा क्योंकि इंटरव्यू चाहिए तुझे, इंटरव्यू चाहिए तो मुझे बाद में फोन कर तो मैं जी, उनको इंटरव्यू बोलूंगा चाहिए भाई उन्होंने कभी के साथ, बात। तुमने बाद में फोन कर। बट नहीं, मैं कह रहा हूं कि अंशुल इज, अंशुल की इंजरी है, वो बस उनसे मैंने बात की थी अभी जब मेहराब आए थे बॉम्बे में, अंशुल जी भी आया जी था उनके साथ, मैं टाइम पास कर रहा था, चाय वाय कॉफी पी उनके साथ, तो बात कर रहा था कि यार भाई कब आ रहा है वापस, कब आ रहा है, कब है मौका, कब पूजा भी लड़ रही है, कब आ रहा है। बोला भाई मेरा इंजरी एक बार ठीक हो जाए ना, मैं तैयार रहूं। आई थिंक वी कैन सी अंशुल बाय एंड ऑफ द ईयर।